नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। आज हम दंगल में धनबाद को देखेंगे, धनबाद लोकसभा क्षेत्र को देखेंगे। धनबाद की कहानी शुरू होती है कोयले से और कोयले से ही खत्म होती है, लेकिन आज हम कोयले की बात नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि कोयले इस दंगल के दरमियान कोयले की बात आ ही जाएगी। आज हम लोकतंत्र के महापर्व लोक की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे और उन लोगों की बात करेंगे जो मतदाता हैं, वोटर हैं। इसलिए क्योंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव, आम चुनाव 2019 चल रहा है और 2019 के दरमियान हम जो तस्वीर देख रहे हैं या राजनीतिक दंगल की, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं पीएन सिंह, जो तीसरी बार सांसद बनने की होड़ में हैं, उम्मीदवारी में हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कीर्ति झा आजाद, जो दरभंगा से दो बार वो भी सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार वो शिफ्ट होकर के यहां धनबाद आए हैं और धनबाद से उनकी नई राजनीतिक पारी शुरू होने की तैयारी चल रही है और चुनाव प्रचार आखिरी दौर पर है। यहां हम इस वक्त देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को देख रहे हैं जो हमारे साथ इधर खड़े हैं और इधर दूसरी तरफ उनके समर्थक हैं जो इस वक्त राजनीति के साथ अपनी विचारधाराओं से बंध गए हैं, जुड़ गए हैं। तो धनबाद की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे चैम्बर से, क्योंकि यह उम्मीद करते हैं कि धनबाद की जब बात होगी तो व्यवसाय की बात होगी, कोयला इंडस्ट्रीज की बात होगी। 1977 में 71 में शायद जो कोयला का राष्ट्रीयकरण किया गया था 71 के दरमियान, उसके बाद से धनबाद की कहानी किस तरह करवट लेती गई, उन कहानियों को देखने के लिए लोग पिक्चर देख लेते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर। लेकिन धनबाद के लोगों की जब बात होगी तो आप जैसे लोगों के इसी तरह दंगल में हम सुनने को मिलेंगे। इस वक्त धनबाद के लोगों की क्या कहानी है, उनकी दुर्दशा की, उनके बस्तियों की, उनकी जरूरतों की? देखिए, कोयला से तो जिसको लोग हीरा कहते हैं उसका उत्पादन हम करते हैं, लेकिन उसके चलते जो कठिनाई है धनबाद में उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो काली धुएं छोड़ती है और काला धूल का उबार उड़ता है, पॉल्यूशन के चलते 5 साल पहले यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बैन कर दिया गया था और इतना पॉल्यूशन है, और खास करके ये जब ओपन कास्ट प्रोजेक्ट आया, अंडरग्राउंड माइंस थे जब शुरुआत में तो उतना पॉल्यूशन नहीं था, लेकिन ऊपर हरियाली होती थी, नीचे से कोयला निकल रहा होता था, आपको पता भी नहीं लगता था कि उस क्षेत्र में कोयला निकल रहा है। ऊपर मैदान होता था, नीचे से कोयला लोग निकालते थे, लेकिन ओपन कास्ट आने के बाद आपको पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया और आपको एक तरफ खाई दूसरी तरफ पहाड़ नजर आएगा ओबी का। हाँ, वो कृत्रिम पहाड़ जो वहां से निकाले गए हैं, उनके बाद जो पहाड़ तैयार है वो पहाड़। अच्छा, इन्हीं के बीच में हम अगर लोगों की जरूरतों की बात करें, जहां लोकसभा से हम उम्मीद करते हैं कि वहां से लोगों के लिए कुछ राहतें आएंगी, कुछ योजनाएं आएंगी, उनकी जिंदगी कुछ आसान होगी, ऐसा हुआ क्या पिछले 5 साल में, 10 साल में? देखिए, सरकार पूरी तरह से नहीं ध्यान दी। अगर हम देश के लिए कोयला का उत्पादन करते हैं तो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे सुविधा भी मिलनी चाहिए, लेकिन वो सुविधा अगर शायद स्मार्ट सिटी में धनबाद का चयन हो जाता तो हम लोगों को लगता कि हम लोगों को प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी में भी चयन नहीं हुआ धनबाद का। मोस्ट पॉल्यूटेड शहर में जरूर उसका नाम आ जाता है। एकदम निश्चित रूप से मोस्ट पॉल्यूटेड शहर में भी नाम आया और मोस्ट गंदगी वाले शहर में भी हमारा नाम आ गया। चलिए, अब हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, इस दरमियान आपका परिचय जानेंगे। मैं कुमार अंकेश राज, इस क्षेत्र का पार्षद भी हूँ, ओबीसी मोर्चा भाजपा का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है कि आपकी सरकार, वैसे तो लोग 70 साल, 75 साल या 65 साल की बात करेंगे, आपकी सरकार के आने के बाद कितना कुछ बदलाव हुआ? हमारी सरकार देखिए 5 साल पहले आई है और मेजोरिटी में आई है, इसके पहले गठबंधन की सरकार थी, लेकिन जब से मेजोरिटी में आई है तो अब विकास देख रहे हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, हर जनता जान रही है कि ऐसी विकास हुई है कि इतिहास इसका गवाह रहेगा। चारों तरफ देख रहे होंगे कि 4 लेन सड़कें बन रही है, पानी की जो व्यवस्था है 950 करोड़ की योजना का जो है वह पाइपलाइन बिछ रहा है और एक एक घर में आने वाले 6 महीने से साल भर के अंदर में जो है वह पाइपलाइन बिछ जाएगी, तो एक एक घर में पानी की किल्लत नहीं रहेगी और हर घर में पानी मिलेगी। और इतना ही नहीं, जो है सबसे पहले 6000 करोड़
से ऊपर के लागत का जो है सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना बनाया है। इसमें युवाओं का बहुत बड़ा भविष्य है। अभी कहाँ बना है, अभी तो वो बंद होकर के उसकी शिलान्यास हुई है एक डेढ़ साल पहले। शिलान्यास हुआ है ना, लेकिन आप देख रहे होंगे डिमोलाइजेशन का काम हो रहा है। उसको तेजी से जो हर्ल कंपनी जो है उसको जो है पुराना जो कारखाना था उसको जो है वो काट करके हटाया जा रहा है और 2022 तक वो कारखाना हर हाल में उसको चालू करना है। और आने वाले दिन में आपकी सरकार की ज्यादातर स्कीम जो है वो 2022 तक आकर के रुकती है। आपसे जानना चाहेंगे आपका परिचय और इसके बाद फिर सुनेंगे। राजेश के गुप्ता, मैं व्यवसायी वर्ग से हूँ जी। राजेश जी, कैसा चल रहा है धंधा पानी, नोटबंदी, जीएसटी, इन सब चीजों के बाद? मैं बेबाक बोलना चाहूंगा बिना राजनीति से हट करके, व्यवसायी वर्ग से हूँ। जिस तरह से जीएसटी को लेकर के या फिर डिमोनेटाइजेशन को लेकर के जो स्थितियां पैदा की गई देश भर में, ऐसी स्थितियां नहीं है। मैं एक व्यवसायी होने के नाते ये कह सकता हूँ कि नो डाउट टैक्स देना पड़ा, लेकिन उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुई है। और किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए रेवेन्यू की जरूरत है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। और ये रेवेन्यू को सही ढंग से कलेक्ट करने के लिए जो जीएसटी का संगठन बनाया गया, ये बेशक हमारे देश और राष्ट्र हित के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हम आज चिंता करते हैं कि हमारी देश चाइना का बगल में खड़ा हो जाए, जापान के बगल में खड़ा हो जाए, अमेरिका के बगल में खड़ा हो जाए, तो सबसे पहले उसके लिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। और वो अर्थव्यवस्था मजबूत कब होगी? जब हमारे देश का जो कहे टैक्स राजस्व ज्यादा आएगा। तो नो डाउट जीएसटी नया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जरूर है। नोटबंदी पुराना हो गया, नोटबंदी नोट नया जरूर है, नोट नया जरूर है, लेकिन इससे फायदा आने वाले दिनों में काफी होने वाला है। मैं व्यवसायी होने के नाते मैं अपने व्यक्तिगत एक बात बताता हूँ। मैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मेरी काफी व्यवसाय फैली हुई है, और जब मैं यहाँ से झारखंड से वहाँ पे अपना गुड्स भेजता था तो अब 20 जगह टोल नाका पे सेल टैक्स वाले रोकते थे पेपर के लिए। आज मैं यहाँ देता हूँ और अरुणाचल ईटानगर में हमारा सामान एक बार टोल नाका में यहाँ जाता है और फिर पहुंच जाता है। चलिए, इसीलिए हम यहाँ राष्ट्र हित के लिए अपना मतदान बहुमूल्य है, ये जागो ग्राहक जागो, अपने बैनर के तक, हाँ, सेहत से समृद्धि तक, ये सेहत भी बना रही है, समृद्धि भी ला रही है, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद भी आएगी। क्या लगता है आपको कि नोटबंदी की बातें लोगों के जहन में है, जीएसटी को तो चलो मान लेते हैं, वो आने वाले दिनों में शायद वो कुछ देश के टैक्स सिस्टम में या रिवेन्यू या सेल्स टैक्स के मामले में कुछ सुधार ले आए। नोटबंदी से छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं, जो भी व्यवसायी हैं, उनसे जाके पूछिए कि नोटबंदी में उनके ऊपर क्या असर हुआ है। बहुत लोग बर्बाद हो गए, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, लाखों की संख्या में लोग धनबाद बोकारो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगार हुए हैं जीएसटी और नोटबंदी के बाद। जो बड़े व्यापारी हैं उनका वो लोग कहीं ना कहीं अपने जो भी उनका लॉस था उसको कंपनसेट कर लिया, मगर जो छोटा व्यापारी है वो आज बर्बाद हो चुका है। छोटे व्यापारी को उबरने में शायद वक्त लगे, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम नोटबंदी की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा छोटे व्यापारी के साथ साथ महिलाओं को भी नुकसान हुआ, जो अपने घर में बचत के पैसे रखती थी वो उनके घर से निकल करके बैंक में खाते में चली गई। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं धनबाद से दंगल, और दंगल की ये आखिरी घड़ी, यानी ये प्रचार चुनाव की आखिरी घड़ी है, और इस आखिरी घड़ी में हम लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि धनबाद में क्या उन मुद्दों पर बात हुई पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान जिन मुद्दों ने देश को झकझोर करके रख दिया, नोटबंदी, जीएसटी और तमाम तरह की बातें आई, कई नीतियां आई, नीतियों पर कुछ ने कहा कि अच्छा है, कुछ ने कहा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट वाली बात हो जाएगी। कुछ महिलाएं हमारे साथ, इन लोगों से समझते हैं कि नोटबंदी के वक्त आप लोगों ने कैसे मैनेज किया अपना घर का बजट, घर का खर्चा।
नोटबंदी का असर तो खास करके महिलाओं पे ज्यादा नहीं पड़ा है। ठीक है, छोटा छोटा सेविंग रखती हैं तो ये अच्छा है कि घर में वो सुरक्षित नहीं था, बैंक में वो पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा, मतलब आपको लगता था कि घर से कभी भी हस्बैंड या बच्चे नहीं, चोर अगर घुसेंगे घर में तो पहले हमारे पैसे ही चोरी करेंगे, तो वो समझ नहीं थी हमें, इसलिए उसको बैंक में अच्छी तरह से मोदी जी ने सेव करवा दिया। क्या बात है, आपको भी लगता है ऐसा ही कि आपका पैसा घर से ज्यादा सेफ बैंक में है? जी हाँ, आपको क्या लगता है? देखिए आप क्या कहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा। ज्यादा महिलाओं पर असर पड़ा है नोटबंदी से। हाँ। क्योंकि कभी भी कौन चोर आता है घर पे? आज सारा सामान अगर सुरक्षित है, हमारे जेवर सुरक्षित है, हमारा पैसा सुरक्षित नहीं हो सकता है क्या? हाँ। हम किसको चोर मानते हैं? हाँ। हमारा परिवार से अगर कोई हमारा पैसा को लेते हैं। अच्छा, आपके 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 घर में, घर के बजट में नोटबंदी के दरमियान जो भी आपके घर से लोग नौकरी करते हो या रोजगार करते हो, उस दरमियान क्या कुछ बजट में कटौती करनी पड़ी? उस समय थोड़ी आर्थिक तंगी वाली स्थिति आई। सबसे ज्यादा असर तब पड़ा जब घर में बेटियों की शादी थी, और जब लोग पैसा निकालने के लिए जा रहे थे और लाइन में खड़े थे, जिसका शादी करीब पहुंची हुई थी, उन लोगों से जाके पूछिए। और उसी तरह से घर, मेरे घर के बगल में कुछ मैटर थे जो लोगों की शादी थी, और उस समय वो लोग रो रहे थे जबकि पैसा निकाल नहीं पा रहे थे और लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसको सारा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा था कि ये सर्टिफिकेट दिखाएं, वो सर्टिफिकेट दिखाएं, क्या बोलते हैं, जो कार्ड दिखा रहे थे, उसके बावजूद भी उनको लिमिट के अनुसार ही पैसा मिल पा रहा था और उसको पैसा खर्चा करने के लिए नहीं मिल पा रहा था। यानी पैसे थे लेकिन पूरे ताम झाम से आपकी शादी घर में निपट नहीं सकती थी। कैसी स्थिति नजर आई नोटबंदी के वक्त? क्या चुनाव के दरमियान लोगों ने इसकी चर्चा की या चर्चा कहीं और भटक कर चली गई वो बॉर्डर की तरफ? बिल्कुल, देखिए जब आप किसी चीज में आत्मविश्वास जो होता है बहुत खराब होता है किसी के लिए भी, वही इस सरकार के साथ हुआ। नोटबंदी इस सरकार का एक ऐसा फैसला था जो एक वन मैन शो, जो जिसको बोलता है मोदी जी, सरकार का वन मैन शो है नोटबंदी। वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला, और वित्त मंत्री को पता नहीं, गवर्नर को पता नहीं, कैबिनेट को पता नहीं, अचानक रातों रात 8 नवंबर 16 का जो वो था नोटबंदी का फरमान जो फरमान था, वो अचानक एक मतलब जैसे होता ना तानाशाह के रूप में पूरे पब्लिक को ऊपर थोप दिया गया। कौन पब्लिक किस परिस्थिति में है, किसके घर में शादी है, किसके घर के लोग हॉस्पिटल में है, उससे मोदी जी को कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब था उस काले, सभी काले धन को सफेद करने का, वो काला धन जो जिस बैंक के अध्यक्ष अमित शाह थे, और उस बैंक में एक सप्ताह के अंदर 750 करोड़ रुपया का जो काला धन को सफेद करने का उनको मौका मिला। बंगाल में कई करोड़ रुपया पकड़ाया, कई 100 करोड़ रुपया बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष के गाड़ी से पकड़ाया था, ऐसे कई जगह थे। क्या ये सब चीजें चुनाव के दरमियान बात, चुनाव प्रचार के दरमियान बात भी लोगों का लग, क्या वोटर के दिमाग में अभी भी है या वो वोटर भूल गए? देखिए, हम लोग का विपक्ष के महागठबंधन के नेता हमेशा इस मांग को करते रहे कि आप 2014 से 19 तक का जो आपका जो काम है आप उस पर चर्चा कीजिए, आप उस पर वोट मांगिए। लेकिन मोदी जी और इनके तमाम कैबिनेट, इनके तमाम जितने भी एनडीए के साथी हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 2014 से 19 तक के मुद्दों पे ये चुनाव लड़े और उस पर वोट मांगे। किसी यानी काम की बात नहीं हुई, बाकी इधर उधर की बहुत बातें हुई। काम की कितनी बातें हुई चुनाव प्रचार के दरमियान इस चुनाव में? मेरा तो जहाँ तक मानना है कि काम की बातें नहीं होती हैं, ज्यादा धार्मिक रूप देकर चुनाव को लड़ने की कोशिश की जाती है। अक्सर देखा यह जाता है कि कांग्रेस, भाजपा, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह की जात पात धर्म की राजनीतियां होती हैं। हम ये कहते हैं कि मुद्दों की बात क्यों नहीं होती, विकास की बात क्यों नहीं होती, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, नारियों के सम्मान, उनकी सुरक्षा, इन सारी चीजों की बातें क्यों नहीं होती? बुनियादी बहुत सारी असुविधाएं हैं, सड़क, नाली, बिजली। अच्छा, क्या असुविधाएं हैं? अब चलिए असुविधाओं पर आते हैं, आपके मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर आते हैं जी। अब जैसे कुछ सालों पहले हमारे यहाँ डीसी रेल लाइन का परिचालन बंद हुआ नियमित रूट से, अब काफी लोगों के योगदान से, काफी लोगों के आंदोलन के बाद फिर से वो शुरू हुआ। मालूम ये हुआ कि भूमिगत आग के वजह से यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको बंद किया गया था, तो फिर से दोबारा वो शुरुआत हुई। तो क्या जब ये बंद हुई तो इस दौरान भूमिगत आग को बंद करने के लिए, यानी उसे खत्म करने के लिए, ताकि यात्रियों को सुरक्षा दी जा सके, क्या कदम उठाए गए? अगर उठाए गए तो वो बताया जाए, और अगर नहीं उठाए गए तो फिर दोबारा ट्रेनों का परिचालन क्यों शुरू हुआ? और अगर शुरू हुआ है तो जितनी जोड़ी ट्रेनें बंद हुई थी वो दोबारा अपने फिर से। यह है जनता का सवाल।
बीजेपी से हैं आप लोग, आंदोलन आप लोगों ने भी किया था डीसी रेल लाइन को चालू करने के लिए, चालू भी हो गई, ट्रेनें कब चालू होंगी, अपने नेताओं पर से इस पर कभी संवाद करते हैं, बात करते हैं? जैसे वर्तमान में जो ट्रैक है वो तो आप जान रहे हैं कि क्षतिग्रस्त है, पूरी तरह से नहीं है, लेकिन अभी कुछ मतलब इमरजेंसी रूप में उसको चलाया जा सकता है, लेकिन उसका अल्टरनेट जो है व्यवस्था हो रही है, अल्टरनेट जैसे ही व्यवस्था हो जाएगी 6 महीना साल भर के अंदर में, तो वैसे ही सारे गाड़ी जैसे पहले 26 जोड़ी की बात हो रही है, सारी ट्रेन की परिचालन हो जाएगी। और आपने नोटबंदी का बात अभी कर रहा था जनता ने, तो नोटबंदी क्यों किया गया, इस जनता जो भोली भाली यहाँ गरीब जनता है उसको रोग बरगराया जा रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए कि नोटबंदी जो है वह गरीबों के लिए, दलितों के लिए और छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए उठाया गया केंद्र सरकार की एक सराहनीय कदम है। कैसे, काला धन जो पूरे देश में था वह जो है नोट के रूप में छुपा पड़ा था, कहीं कोने में पड़ा था, उसको जो है काला धन को जो है सफेद नहीं किया गया। सफेद कैसे किया जाएगा, वो तो 5,000 रुपये दे ही रहा है तो सफेद कैसे करेगा, जो काला धन नहीं रहेगा उसको तो भाई टैक्स दो, टैक्स लिया 50% तक टैक्स लिया, और टैक्स लिया और जो प्रचलन में आया, जो पैसा प्रचलन में नहीं था नोटबंदी के जरिए, वो परिचलन में आया, बैंक में जमा हुआ, और उसी के द्वारा मुद्रा लोन, आपने देखा होगा कितने हजार लाख लोगों को मुद्रा लोन मिला, जिसे छोटे छोटे व्यापारी जो है आज लाभान्वित हुए हैं और बैंक में आया है, और अर्थव्यवस्था भी सुधरा है, और उसी के तहत और आर्थिक मुद्दों की बात करेंगे तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है, मुद्रा लोन कितने लोगों के लिए फायदेमंद रहा, आप मार्केट में कितने? मुद्रा लोन छोटे व्यापारी वर्ग लोगों के लिए, और खास करके अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो थे, बेशक मैं यह नहीं कहूंगा कि सभी लोगों को मिला है, लेकिन बहुत हद तक लोगों को मिला है। रह गई नोटबंदी पे, मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि नोटबंदी से नो डाउट छोटे व्यापारी वर्ग को और कुछ लोगों को तकलीफें हुई है, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रहित और देश की विकास की, तो ये कदम उठाना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जैसा भाई साहब ने कहा कि जो नोट को परिचलन में लोग रख चुके थे उसको वापस बैंक में ला करके फिर से परिचलन में लाने का और कोई दूसरा विकल्प सरकार के पास नहीं था। शायद इसके जगह में कोई दूसरी सरकार होती और कदम उठाना पड़ता तो शायद यही कदम उठाती, इसलिए मेरे हिसाब से ये बेहतर कदम है सरकार की। चलिए, आपने बेहतर समझा। मुद्रा लोन की बात करेंगे, मुद्रा लोन से कितना अर्थव्यवस्था को उछाल आया, रोजगार में बढ़ोतरी हुई? नहीं, मुद्रा लोन एक अच्छी योजना है वर्तमान सरकार की, और छोटे छोटे व्यवसायी बैंक में, जो पहले बैंक की स्थिति थी कि लोगों के जोड़ियां, चप्पल की जोड़ियां घिस जाती थी, उसमें व्यवस्था अभी में सुधार हुआ है और लोन लोगों को मिल रहा है। लेकिन जहां तक नोटबंदी का, नोटबंदी एक अच्छी चीज थी, लेकिन उसको लागू करने के पहले पूरी तैयारी नहीं की गई थी, यही कमी रह गई थी जो जिसकी वजह से लोगों की शिकायत भी शायद रह गई। क्या कहेंगे आपके पास, आपके अपने क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव? मैं सोशल से आता हूं जी, समाज सेवा में। सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार जो है 5 वर्ष अपने एक वोट का मत का उपयोग करते हैं लोग जी, और अपने भविष्य को देते हैं। 5 वर्ष बहुत लंबा होता है, और नेताओं जो हैं हमारे वोट का उपयोग गलत भी करते हैं, कुछ जगह में ऐसा भी है। आज जैसे कुछ जारी किया गया है कांग्रेस की ओर से, चाहे भाजपा की ओर से, सब अपना अपना मुद्दा लेके सिर्फ वोट को जीतने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता और व्यवसायी पर किसी का नजर नहीं है। आज जो है 72,000 रुपये की जो बात है, जो कांग्रेस ने जो 72,000 रुपये, आखिर वो कहां से देंगे, ये पैसा कहां से आएगा? हम व्यवसायी हैं, अगर 72,000 रुपये अगर खाते पर आ जाएगा तो कौन हमें जो है वर्कर्स मिलेगा काम करने का, ये तो कोई नहीं सोच रहा है। कल काम कौन करेगा? हम लोग जो व्यवसायी वर्ग में हमारे साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो खाते पे मिल जाएगा तो वो पैसा, अभी 1 रुपया चावल मिल रहा है उस पर भी लोग नहीं आना चाह रहे हैं। अब 72,000 तो बहुत बड़ी रकम है, और ये पैसा आएगा कहां से? ये है मोदी जी का भी है कि वो किसान को जो है देंगे, पैसा देंगे, मतलब रिटायरमेंट का पैसा देंगे। आपको लग रहा है कि काम करने वाले आदमी कहां से मिलेंगे? इससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। जो वर्कर्स है उनको आप कोई रोजगार दीजिए, रोजगार के लिए आप जो है सोचिए, बढ़िया जो है रोजगार दीजिए। ये 72,000 फ्री में बांटने का, ये कहां से? वोटिंग लेने के लिए आप कुछ भी बोल दीजिएगा, जनता जो है थोड़े पागल है कि वोट दे देगी आपको इस तरह से, ऐसा नहीं होता है। और
इनसे भी पूछ रहे थे आपके बगल में बैठे, ये 72,000 वाली स्कीम कैसी लगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आपका कशिश न्यूज चैनल झारखंड का प्रतिष्ठित चैनल, अक्सर देखिए कि अभी जो 2019 का इलेक्शन हो रहा है वो चोर और चौकीदार का शोर इतना ज्यादा है कि आम आदमी के जो इश्यूज थे, जो आम आदमी का मुद्दा था, जो लोकल इश्यूज है, वो पूरी तरह से गौन होते जा रहे हैं। देखिए, धनबाद के हम भी मुद्दा ही तलाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बारी की बात इंतजार कर रहा था कि मैं बेसिक मुद्दों पर बात करूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, चेंबर ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ। पार्टी के साथ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, पार्टी के साथ एक्चुअली होता क्या कि आप उसको डेडलाइन के अंदर, उस लाइन के अंदर बोलना है जो आप इंडिपेंडेंट मेरे जैसा आदमी नहीं बोल सकते। देखिए, धनबाद में, धनबाद का चुनाव, देश में जो चुनाव हो रहा 2019 का लोकसभा इलेक्शन, देखिए बहुत सारे इश्यूज हैं। बेरोजगारी पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, धनबाद जिससे पूरा देश 40% यहाँ के कोयले से रोशन होता है, धनबाद में 23-23 बार 24 घंटे में लाइन कटता है, कोई बोलने वाला नहीं। पेयजल की स्थिति इतनी खराब है, आप शिमला बहाल या आउटर इंटीरियर एरिया में जाकर के देखिए तो लोग पानी खरीद के पीने के लिए विवश हो रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। देखिए, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन फ्लाईओवर की आवश्यकता है, लेकिन किसी को भी वो जो एक पटल होता है कि लोकसभा में जो हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो जाकर के अपनी बात को, यहाँ की जनता की बात को रखेंगे, वो देखने में पिछले 5 सालों में नहीं मिला। देखिए, यहाँ पे व्यापारियों ने एक आंदोलन किया था एयरपोर्ट को लेकर के, बैलगाड़ी जुलूस निकाला था, आपके यहाँ लोकल जो संवाददाता थे दिलीप जी, और उन्होंने बहुत शानदार न्यूज कवर किया था, वो पूरी तरह से देखिए ठंडे बस्ते में है। किसी भी शहर के विकास का मापदंड में जो धनबाद अपने आप को फुलफिल करता है, यहाँ पे देवघर और बोकारो के हिसाब से इनको यहाँ पे हम लोगों को एयरपोर्ट मिल जाना चाहिए। लेकिन बात संवेदना बोलिए, विडंबना बोलिए, या धनबाद का दुर्भाग्य बोलिए कि जिनको हम लोगों ने अपने दर्द की दवा के लिए चुना था, वो हम लोगों को खुद दर्द देते गए। तो चलिए, वोट के जरिए बिल्कुल सब बिल्कुल एक चैनल के माध्यम से निष्पक्ष बात कहूंगा कि 21 तारीख दिन रविवार को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक समस्याओं पे चोट करें, वोट जरूर करें। चलिए भाई साहब, आप कुछ कहेंगे अपने क्षेत्र के मुद्दे के बारे में बात करेंगे? आइए। क्षेत्र का तो मुद्दा आज कोई नया नहीं बना हुआ है, किसी के भी पार्टी हो, या कांग्रेस की हो, या भाजपा की, या यहाँ पर जेएमएम की जो हम झारखंड में हैं, ये मुद्दा हमारा निरंतर पहले से अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। सभी लोग प्रत्याशी जब चुनाव में खड़े होते हैं तो उनका अनाउंसमेंट चलता है कि साफ सुथरे ईमानदार प्रत्याशी, तो मैं मानता हूँ कि जब वो प्रत्याशी नए खड़े होते हैं तो उनका यह स्लोगन बिल्कुल सही है, साफ सुथरा ईमानदार प्रत्याशी, चाहे किसी पार्टी का हो। लेकिन हमें लगता है शायद वो चेयर ही गंदा है, कि वहां जाने के बाद सब अपने मुद्दों से भड़क जाते हैं, जिनको सपोर्ट से वो खड़े हुए उनका भी सपोर्ट भूल जाते हैं। और आज धनबाद का तो बदहाली सभी के नजर में है, ना रोड है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। अब हम लोग किससे इस बात को बोले, किसी पार्टी का यहाँ पे मतलब पर्सनली कुछ नहीं है, सभी पार्टी एक जैसे हैं, ना कांग्रेस ना भाजपा, कोई विकास नहीं किया धनबाद का। आखिर ये धनबाद का विकास क्यों नहीं हुआ, कोई वजह? आप चूंकि यहाँ के हैं, आप देखते होंगे, समझते होंगे, क्या कमी रह गई जबकि इतना धन यहाँ से जाता है? सर, चाहे वो प्रकृति, मैं बताना चाहता हूँ सर, जीएसटी जो राष्ट्रीय मुद्दा है सर, हम उससे बात ना करके हम यहाँ के लोकल मुद्दा पे बात करेंगे। हम ले इसीलिए सर, यहाँ पे री एडमिशन जितना भी हाई फाई स्कूल है, री एडमिशन पे रोक क्यों नहीं लगता है? और जैसे भाई मंचा सिंह भाई ने कहा कि जैसे जीएसटी पे जो राजस्व आ रहा है, देश मजबूत हो रहा है, उसी तरह हमारा मतलब हमारे कोयला, धनबाद के कोयला से पूरा राज रोशन हो रहा है। तो यहाँ का जब राजस्व, जब स्टेशन की कमाई जो दूसरे नंबर इंडिया में, तो यहाँ पे दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन क्यों नहीं दिया जा रहा है? और झारखंड अधिविधि, बल्कि एयरपोर्ट भी होना चाहिए, हाँ एयरपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए। झारखंड अधिविधि कौंसिल रांची का जो रीजनल सेंटर है धनबाद में क्यों नहीं खुले? लाखों लाख स्टूडेंट यहाँ से पास होते हैं, छोटी छोटी सी गलती के लिए 4-6 बार रांची जाना पड़ता है, तो वो इशू क्यों नहीं पड़ा? आप सोचिए कि ये यहाँ के स्टूडेंट 4 घंटे की यात्रा करने के लिए बस होते हैं, छोटी सी गलती के लिए। आप सोचिए कि उस छोर के लोग, संथाल परगना के इलाके के लोग, सोचिए कितनी परेशान होते होंगे। जैसे मैं आपको ये ध्यान दिला रहा हूँ, वैसे समस्या हर जगह होती है। और हम भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि धनबाद के लिए, अगर आप दोनों से ही बातें करेंगे, क्या लगता है धनबाद में राजनीति बड़ी होती है? मेरे जहन से हाँ, जनता का काम कम होता है। राजनीति का तो शहर ही है धनबाद, राजनीति तो यहाँ होता ही होता है, क्योंकि राजनीति, ये राजनीति किसके लिए होती है? आम लोगों के लिए होती है? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती है। अच्छा,
ये राजनीति जो होती है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती है, समझे ना जी। और लोगों को बेवकूफ ही बनाया जाता है अगर कहा जाए तो, अभी के अभी तो संदर्भ लोकसभा चुनाव है। हाँ। और इस चुनाव में अभी देखा जाए कि दो पार्टियां ही अभी अमूमन सामने आई है, जो कि या तो सोचते हैं कि या तो ये जीतेगा या तो कांग्रेस या तो भाजपा, दोनों ही तरफ गठबंधन। तीसरा अभी कोई है नहीं, तीसरा है नहीं, और इस लोकसभा में कोई तीसरी बात भी नहीं कर रहा है। कोई तीसरी बात भी नहीं कर रहा है, और एक है गठबंधन की पार्टी है और एक स्वतंत्र है जो अलायंस है, लेकिन बीजेपी जिनके साथ में जैसे आजसू और कुछ पार्टियां हैं, एनडीए है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं दंगल धनबाद से। धनबाद के एक शख्स ने बताया कि यहाँ राजनीति बड़ी होती है, लेकिन वो राजनीति लोगों के लिए नहीं होती है, लोगों की सुविधाओं के लिए नहीं होती है। क्या लगता है इन राजनीति में क्या कुछ छुपा होता है? सिर्फ स्वार्थ। किन का? राजनीतिक दलों का, दल के नेताओं का। अच्छा। मैं अभी अपने गुप्ता जी का कुछ बात का जवाब देना चाहूंगा। जीएसटी का बहुत तारीफ कर रहे थे, एक्चुअल में अगर आप ओवरऑल देखिएगा ना, तो जीएसटी से झारखंड को जितना नुकसान हुआ है उतना और किसी प्रदेश को नुकसान नहीं हुआ है। जीएसटी का स्वरूप ऐसा है कि आप टोटल टैक्स का जो स्लैब है एक कर दिया गया है पूरे देश में, और उसका जो बंटवारा है वो पूरे देश के जितने स्टेट है सब में भी उसको समान रूप से कर दिया गया है। तो झारखंड एक मिनरल बेस्ड स्टेट है, यहाँ पे जितना उसका रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो हमको लगता है कि भारत के और किसी प्रदेश में उतना नहीं होता होगा। लेकिन जहां पे शेयर की जब बात आती है तो शेयर तो इक्वल पूरे भारत के पूरे प्रदेश में हो गया, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप जब देखिएगा तो झारखंड को नुकसान हो गया टैक्स में। इस अगर ओवरऑल देखिएगा तो झारखंड को 3 से 4 हजार करोड़ रुपया का प्रतिवर्ष नुकसान होता है टैक्स में जीएसटी के चलते से। इसका बोझ किस पे जाता है? जनता। अगर इसी का हम कंपेयर कर लें कि धनबाद सबसे ज्यादा यहाँ रेवेन्यू स्टेट को देता है या सेंट्रल को देता है, उसके परिपेक्ष में लोगों को यहाँ सुविधाएं जो उनकी जो जीवन पद्धति है उनमें सुधार क्यों नहीं हुआ? वही तो मैंने बताया ना कि टैक्स का जब आपका स्लैब इस तरीका का है कि आप कलेक्शन कीजिए, कितना भी कलेक्शन आप कर लीजिए, लेकिन जब उसको बंटवारा की बात आएगी, आपके अगर 4 बेटे हैं तो चारों में समान रूप से बंटवारा उसका हो जाएगा। कौन बेटा काबिल है कौन बेटा नाकाबिल है इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो काबिल बेटा अगर आपका ज्यादा कमा रहा है उसका शेयर नाकाबिल बेटे को चला गया तो नुकसान तो काबिल बेटे को हो गया। ये थ्योरी तो सही है। चलिए बिजली की बात भी आई कि आखिर बिजली क्यों नहीं रहती है, और मैं भी यहाँ कुछ दिनों के लिए रुका था तो देखा कि बिजली इतनी ज्यादा यहाँ बिजली जाती है कि लोग कहने लगे थे कि धनबाद में बिजली सबसे ज्यादा जाती है। देखिए, झारखंड सरकार पिछले 3-4 साल से बिजली के सुधार में लगी हुई है, काफी पैसा राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आया है, लेकिन इनको कंट्रोल करना है अपने बिजली विभाग के कर्मचारियों को जो विकास की योजनाओं में बाधक बनते हैं। अब इसका क्या कारण है ये तो बिजली विभाग या राज्य सरकार ही जाने, क्योंकि बिजली कड़की या पत्ता हिला और लाइन चली गई, ये हम लोग बरसों से देखते हैं। सीक्वेंस रहता था। हाँ। तो ये कर्मचारियों पे लगाम लगा करके राज्य सरकार को आम जनता को राहत देनी चाहिए। और छोटी सी बात है, नेशनल ग्रिड से धनबाद को जोड़ा जाना है जिससे डीवीसी पे निर्भरता कम हो जाए, लेकिन 2 टावर के चलते आज 1 साल से वो नेशनल ग्रिड नहीं बन पा रहा है। तो मैंने राहुल पुरवार साहब आए थे तो उनको कहा था कि भाई जैसे पब्लिक दौड़ती है अपने फाइल के पीछे, आप भी अपनी फाइल के पीछे दौड़िए और वो 2 टावर का अप्रूवल लेकर के आइए। और एक सेकंड और बोलता हूँ, जीएसटी पी जो कि चैम्बर को रिप्रेजेंट करता हूँ, देखिए मोदी जी का एक तो श्रेय है इनकम टैक्स और जीएसटी पे कि हम लोगों को ऑफिस दौड़ाना बंद कर दिया,
आज अगर आप व्यापार कर रहे हैं और सेल टैक्स ऑफिस का अगर आपको पता नहीं है तो पर भी आप आसानी से आपका इनकम टैक्स का रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आता है। छोटे व्यवसायियों को जीएसटी से इसीलिए दिक्कत हुई क्योंकि वो नियम कानून का कम पालन करते थे, लेकिन उसके बाद भी लिमिट जो है 40 लाख कर दिया गया और कंपोजिशन स्कीम में 1.5 करोड़ रुपया कर दिया गया। ओवरऑल जीएसटी लागू होने से व्यापारी को फायदा है। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम व्यवसाय की बात करेंगे, यहाँ के छोटे और मझोले उद्योग की बात करेंगे जो कोयले से भी जुड़ी हुई है और दूसरी चीजों से भी। एक छोटा सा ब्रेक। के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं दंगल धनबाद से। और धनबाद के बारे में एक वक्त कहा जाता था ABCD, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था धनबाद के बारे में तो मुझे पता चला आरा बलिया छपरा इक्वल टू धनबाद, यानी बड़े पैमाने में लोग यहां रोजगार के लिए कोयले की इंडस्ट्रीज में जुड़ने के लिए यहां अपने रोजगार या अपने जीवन यापन के लिए यहां आते थे। अब क्या स्थिति है, क्या यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है सही तरीके से, कोयला इंडस्ट्री में कोयले के जो कंपनियां हैं वहाँ जॉब मिल रहे हैं? आज कोल इंडस्ट्री की बात करें तो धनबाद में पहले जैसे रोजगार की संभावना खत्म हो चुकी है। बसरते आउटसोर्सिंग में कुछ ऐसे मजदूर लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है, लेकिन पहले जैसी चमक दमक अब नहीं है। तो क्या वजह हो गई? वजह हो गई कि यहाँ की जो मैं इस संबंध में बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे धनबाद का विकास होना चाहिए था राजस्व पे, नो डाउट वो उसको मैंने नजरअंदाज किया गया है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था की बात हो, चाहे फिर फ्लाईओवर ट्रैफिक जाम की बात हो, इंसान की मूलभूत सुविधाओं की बात में हो। धनबाद संसदीय क्षेत्र में जनता की उपेक्षा की गई है, जितनी हम लोग उम्मीद रखे थे उतनी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, बात आज देश हित और राष्ट्रहित की बात है, इसलिए केवल धनबाद संसदीय क्षेत्र को मान करके नहीं, पूरे देश और राष्ट्र अगर हमारा मजबूत होगा तो आने वाले दिनों में निश्चित मैं कह सकता हूं कि हमारा धनबाद का भी विकास होगा। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपने जो वर्तमान संसद महोदय हैं और जो भी नए बनेंगे आएंगे, मैं एक वैसे देना चाहूंगी, हमारे धनबाद में जो जाम की समस्या है जिसके चक्कर में कई लोगों की जान चली जाती है, एम्बुलेंस को पास करने का मौका नहीं मिलता है, वो जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, क्योंकि 20 वर्षों से कई बार फ्लाई ओवर का प्रोजेक्ट हमारा धनबाद में आया और उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया और वो वापस प्रोजेक्ट चली गई। चलिए, यानी आने वाले संसद इस बात का ध्यान रखेंगे। रोजगार क्यों खत्म हो गया, क्यों कम हो गया, आपको क्या लगा, आप युवा भी हैं? पूरे देश में मोदी जी ने जो वादा किया था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ तो मिला नहीं, जितना रिक्वायरमेंट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट में घट करके केवल 6.9% रह गया। रियलिटी यही है, फैक्ट यही है। साथ ही साथ धनबाद में भी जो रोजगार था यहाँ पे जीएसटी और नोटबंदी के बाद भी लोग यहाँ रोजगार में छोटे छोटे रोजगार करते थे, बेरोजगार हो गए, सबको यहाँ से पलायन करके बाहर कहीं दिल्ली कभी मुंबई कहीं कोलकाता रोजगार के तलाश में जाना पड़ता है। धनबाद की हालत रोजगार बिल्कुल, एक वक्त था जब बाहर से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते थे, अब यह वक्त है कि यहाँ से लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। रोजगार की स्थिति अच्छी है मानते हैं आप धनबाद में या देश में? जी बिल्कुल नहीं, प्लान का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि बहुत से झारखंड बिहार के लोग जो गुजरात में काम करने गए थे उन्हें बहुत बेतरतीब मार करके वहां से भगाया गया। और भाई साहब ने अभी नोटबंदी पे बात की, नोटबंदी हुआ था आतंकवाद को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। क्या पाकिस्तान बर्बाद हुआ, क्या आतंकवाद खत्म हो गए? आज उरी हुआ, पुलवामा हुआ, जिसके नाम पे आज आप चिल्ला चिल्ला के वोट मांग रहे हैं, ये तो आपके नोटबंदी के बाद हुआ। पाकिस्तान कल भी अमेरिका का दलाल बना हुआ था, वो आज भी अमेरिका का दलाल बना हुआ है, उसको क्या फर्क पड़ गया?
आपके आकलन से खुद आरबीआई का यह है कि 99.3% पैसा रिटर्न आया, तो ब्लैक मनी कहाँ गया? लेकिन ब्लैक मनी की बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान की बात जरूर जिंदा है। रोजगार की स्थिति को कैसे संवारा जा सकता है और किन सेक्टर्स पर ज्यादा नुकसान आया पिछले 5 साल में? देखिए, धनबाद के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिएगा ना, तो वर्तमान सांसद के छत्र छाया में जिस प्रकार से रंगदारी यहाँ फल फूल रहा है, आप चाहे बागमारा क्षेत्र देख लीजिए, झरिया क्षेत्र देख लीजिए, ये पूरे लोकसभा में 6 विधानसभा पड़ता है और 6 विधानसभा में करीब करीब 5 विधानसभा पे भाजपा के और उसके सहयोगी दल का कब्जा है। उसके बाद भी कोलियरियों का इतना पूरा स्थिति होना ये बहुत ही शर्मनाक है और सांसद के कार्यशैली का सर्टिफिकेट दे देता है। आप चाहे व्यवसाय की बात कर ले या उन कोलियरियों में काम करने वाले लोगों की बात कर ले, आप कोलियरियों के कोलनियों में चले जाएंगे, न पेयजल की व्यवस्था, न सड़क की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था। आप थोड़ा सा हट जाएं, अभी रेवेन्यू की बहुत बातें हो रही थी, रेवेन्यू पब्लिक के ऊपर राष्ट्रवाद के, जिसको आज के दिन में राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद बोला जाता है, मैं उसको छद्म राष्ट्रवाद बोलता हूँ, कि राष्ट्रवाद के नाम पे पब्लिक पे तो आप तो हर तरह का सेस लगा दिए, कभी स्वच्छता सेस तो और कितने तरह का, इतने सारे सेस, इतने सारे आप रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद भी झारखंड सरकार का 350 करोड़ का डीबीसी को दिया हुआ चेक बाउंस हो जाता है। ये हमको लगता है कि पूरे देश में पहली घटना है जो कि सरकारी चेक बाउंस हो जा रहा है। चलिए, मेयर साहब का, मेयर साहब के स्कॉर्पियो का चक्का चारों चक्का खोल करके टायर दुकान वाले लेके चले जाते हैं। ये धनबाद का दुर्भाग्य है, चारों स्कॉर्पियो जो है ईंट पे खड़ा रहता है, चारों चक्का उनका खोल करके टायर दुकान वाले ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पेमेंट नहीं करते हैं। तो नगर निगम इतने सेस वसूल रही है, राज्य सरकार इतने रेवेन्यू वसूल रही है, वो पैसा जा कहां रहा है? वही हाल मोदी जी का है, इतने सेस वसूल रहे हैं मोदी जी, इतने रेवेन्यू लगा करके रखे हैं, लेकिन वो पैसा जा कहां रहा है? रोजगार मिल नहीं रहा, इंडस्ट्रीज आ नहीं रही है। आप स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, कितने सारे इंडिया और क्या क्या कर लिए, कितने इन्वेस्टमेंट आ गए? आप हम लोकल स्तर पर आप धनबाद में बता दीजिए, एक भी इन्वेस्टमेंट आ गया? चलिए, अब कार्यक्रम खत्म करने का इशारा हो रहा है, चलिए जल्दी जल्दी आप दोनों छोटी छोटी बातें रख लीजिए। देखिए, रोजगार जो कम हो रहा है ना, ये ड्यू टू मैकेनाइजेशन है, इंडस्ट्री में जो मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है इसके चलते रोजगार कम हो रहा है, और एक रोजगार का साइकिल होता है। हमको लगता है कि कोयले से हट करके अब धनबाद को दूसरे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा ताकि रोजगार को धनबाद में बढ़ावा मिले। बहुत अच्छा सजेशन रहा। कांग्रेस के नुमाइंदे जो राजीव शर्मा जी ने बता रहे थे कि रोजगार, तो कोलवड़ी का जो हाल जो है वो किसने छोड़ा है? 60 वर्षों तक यहाँ यूपीए की सरकार रही है और कोलवड़ी में जो आग लग गई है इसको बुझाने का प्रयास भी नहीं किया गया। आज अंदर अंदर खोखला है और शहर जो है धस रहा, जिसके कारण रोजगार नहीं मिले। इसके लिए पूरे जो जिम्मेवार यूपीए की सरकार है और कांग्रेस के नुमाइंदे हैं 60 साल, और उसके डीएमएफटी का फंड जो है, जो रॉयल्टी आती है, वो डीएमएफटी का फंड पहली बार भाजपा की जब सरकार आई है तो देख लिए कि 1100 करोड़ रुपए जो है हमारे डीसी साहब के पास पड़े हुए हैं, और जो स्ट्रीट लाइट और जो रोड बन रहे हैं, डिवाइडर बन रहे हैं सारे, और बिजली का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पानी का काम सारा जो है वह डीएमएफटी फंड से हो रहे हैं। पहली बार जो है वह रॉयल्टी के रूप में धनबाद को भी हिस्सेदारी मिली। चलिए, बहुत बढ़िया, हमने धनबाद के इस दंगल में धनबाद के मर्म को समझने की कोशिश की, धनबाद के लोगों की जरूरतों को समझने की कोशिश की, और यहाँ के जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं इनके बीच अपनी आपसी चर्चाएं भी बहस के जरिए सामने आई। वोटिंग की बस अब घड़ी करीब आ रही है, लोग वोट करेंगे, इसके बाद अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे और इसके बाद फिर शायद उनकी जरूरतें पूरी हो जाए या कुछ बची रह जाए, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया जारी रहती है और यह दंगल भी जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, नमस्कार।